संजय जौहर हत्याकांड में न्यायालय से जमानत के बाद फरार चल रहे आरोपी प्रकाश पवार को थाना सेल्वा शहर पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्ष 2008 में बहुचर्चित संजय जौहर हत्याकांड के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही हत्याकांड का मुख्य आरोपी गोपाल जोशी एवं सहयोगी प्रवीण पिता प्रकाश पवार निवासी महू के फरार होने से इनके विरुद्ध निर्णय होना शेष था, जिस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किए गए थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा स्थायी वारंट तामील कराने हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें प्रकरण गंभीर होने व पुराना होने व न्यायालय निर्णय नहीं होने से प्रकरण को प्राथमिकता से लेते हुए आरोपियों की तलाश की गई, जो मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर थाना प्रभारी राजेश द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक शुक्ला के निर्देशन एवं SDOP NS रावत, नगर पुलिस अधीक्षक पीतमपुर श्री तरुणेंद्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना पर टीम तैयार कर पीतमपुर सेक्टर 3 में दबिश दी गई, जो मौके पर प्रवीण पिता प्रकाश पवार जाति हरिजन उम्र 45 साल निवासी 12/41 न्यू तेलीखेड़ा गौशाला महू जिला इंदौर को गिरफ्तार किया गया, जिसे आज दिनांक को माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जाएगा। सर, संजय जवार हत्याकांड में फरार आरोपी प्रवीण पवार को गिरफ्तार किया है, क्या मामला है सर? यह 2008 में बहुचर्चित जो है संजय जवार हत्याकांड हुआ था, जिसमें गोपाल जोशी मुख्य आरोपी था और कुल मिलाकर 19 आरोपी इसमें थे। इसमें जो प्रकरण था, प्रकरण में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चालान प्रस्तुत किया और 8 आरोपियों को इसमें सजा भी हुई है, लेकिन इसमें जो मुख्य आरोपी गोपाल जोशी है और उसके साथ में प्रवीण पवार है, ये दोनों न्यायालय से जमानत होने के बाद से फरार चल रहे थे, जिसके कारण से इनके संबंध में निर्णय नहीं हो पा रहा था। जो पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला सर ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था और उन्होंने एक विशेष टीम बनाई थी और टीम ने लगातार पता रसी की, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट की और काफ़ी प्रयास करने के बाद में जो ये प्रवीण पवार है, इसकी लोकेशन पीतमपुर में होना पाई गई और एक फैक्ट्री में छिप के काम कर रहा था, उस आधार पर जो है पुलिस ने जब वहाँ दबिश दी और पीतमपुर पुलिस की सहायता से इसको वहाँ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उस प्रवीण पवार को आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से ADJ न्यायालय सेंधवा के द्वारा इसे जेल भेज दिया गया है। अब प्रकरण में आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें निर्णय, इसके खिलाफ जो भी निर्णय होना है वो निर्णय हो पाएगा। जो एक अन्य आरोपी गोपाल जोशी फरार है, उसके संबंध में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र हम उसको भी अरेस्ट करेंगे। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट बड़वानी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट